यूट्यूब चैनल हरिदा मरीनर। दोस्तों, हरिदा मरीनर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बड़े बड़े शिप्स होता है उसमें जो लाइफ बोट होता है उसको इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े शिप्स होता है उसमें जो लाइफ बोट होता है उसका पहले मैं आपको यूज़ बताता हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी शिप बड़ा शिप सिंक हो जाएगा, पानी में अगर चला जाएगा, भगवान करे किसी का ना हो जाए, लेकिन इन दिस सिचुएशन वी हैव टू एंटर इनसाइड द लाइफ बोट। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें मेन जहाज को छोड़ के इस छोटे जहाज में एंटर करना होता है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी आइटम होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे आइटम्स है इनसाइड, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द टेक्निकल पार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम इसका मेन इंजन कैसे ट्राई आउट करते हैं, क्या क्या चेकअप्स होता है एज ए इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके अंदर हम अभी एंटर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डोर ऑलरेडी मैंने ओपन किया है। जैसे ही हम इस डोर को ओपन करेंगे तो थोड़ा टाइम हमें इसको वेट करना है, डायरेक्टली इनसाइड नहीं जाना है, क्योंकि ये एनक्लोज स्पेस है, इसमें बहुत सारे फ्यूम्स होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ओपन करके इसके बाहर थोड़ा रुकना है। ओके, आई ऑलरेडी ओपन दिस डोर। फ्रेंड्स, इसको एंटर करने से पहले ये लाइफ बोट का बैटरी का चार्जर होता है, इस प्लग को हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए, ऑलरेडी मैंने इसको निकाल के इधर बाहर रख दिया है। चलिए तो दोस्तों, हम लाइफ बोट के अंदर अभी एंटर करते हैं। ओ देखिए दोस्तों, ये अंदर से आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा लाइफ बोट है, इसका जो कैपेसिटी है ये 40% का इसमें कैपेसिटी है। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे, तो हमारा जो टेक्निकल पार्ट है वो हम आज देखने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, हम देखते हैं इस टेक्निकल पार्ट को आज। चलिए तो फ्रेंड, ये लाइफ बोट का इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं इसका मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो लिखा है फर्स्ट है हमें ये बैटरी का स्विच ऑन करना है। नेक्स्ट टाइम जो बैटरी का रन जो स्विच है उसको ऑफ रहता है, इसको रन में डालना है, और ये पुश बटन इसको प्रेस करना है थोड़ा वेट करके, और ये अहेड और अस्टन देना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोसीजर, ये स्टार्ट करने से पहले हमें इंजन का कुछ चेक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, मैं क्या क्या चेक्स करना है इंजन का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें ये बैटरी बॉक्स है, बैटरी बॉक्स का कवर निकाल के हमें बैटरी को चेक करना है बाय मल्टीमीटर, और आप विजुअली भी चेक कर सकते हैं। इस बैटरी को कैसे चेक करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट जो चेक है हमारा, आप देख सकते हैं ये जो है मेन इंजन है। देखिए, ये जो लाइफ बोट का इंजन है इसमें जो हमें फर्स्ट चेक करना होता है दोस्तों, ये वो कूलेंट होता है, जो कूलेंट इंजन को कूल करता है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसका लेवल देखना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो मैंने ऑलरेडी चेक किया है, इसका लेवल सही है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो होता है सम्प का ऑयल लेवल, जो इंजन होता है उसका सम्प में ऑयल लेवल है या नहीं वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टिक होता है, इसको ऊपर खींच सकते हैं आप, इसको खींच के देख लो आप, ये जो ऑयल लेवल है ये बराबर मार्किंग से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ऑयल लेवल चेक कर लिया, कूलेंट चेक कर लिया, इंजन का चेक्स, ऑल वायरिंग्स ऑफ मोटर ऑलरेडी चेक कर दिया है मैंने। तो अभी हम इसका बैटरी का स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो बैटरी का स्विच है ये ऐसा रहता है, ये की होता है, इसको अंदर डाल के इसको ऑन करना है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसीजर हो गया। उसके बाद हमें दोस्तों जाना है कंट्रोल पैनल की तरफ। ये देखिए, मैं कंट्रोल पैनल के तरफ गया है। ये जो ब्रेकर होता है दोस्तों, ये कंट्रोल पैनल ने इसको ऑन करना है। इसको ऑन किया करेंगे तो ये लाइट का ब्रेकर होता है, इमरजेंसी लाइट का, आप देख सकते हैं इनसाइड लाइट चल रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाला हूँ इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एज पर जो प्रोसीजर था उसमें जो स्विच दिया है दोस्तों, ये वाला स्विच है, इसको हमें ऑफ पोजीशन पे रहता है, इसको रन कर देना है। रन करने के बाद ये लैंप चलेगा, इसका जो लैंप है लाइट चल रहा है देखिए। उसके बाद हमें थोड़ा टाइम रुकना है। क्यों रुकना है दोस्तों, ये जो हीटिंग का प्रोसीजर होता है इसको ग्लो करना पड़ता है थोड़ा टाइम के लिए, जस्ट 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये देखिए, ये जो स्टार्ट का बटन है ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट का पुश बटन है। तो ये स्टार्ट पुश बटन को हमें करना है प्रेस इंजन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैं इंजन चालू कर रहा हूँ, इसको प्रेस करके देखिए दोस्तों, ये जो इंजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा टाइम आप रुक सकते हैं, इंजन को अच्छी तरह से चलने देते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों जैसा इंजन चल रहा है तो ये जो लीवर है इसको, इस लीवर से हम न्यूट्रल पोजीशन पे है, इसको अहेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इंजन को अभी हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए इंजन को, ये स्टॉप इंजन जो है, ये इसका लीवर है, इसको हमें पुल करके रखना है। देखिए जो इंजन है ऑलरेडी बंद हो चुका है दोस्तों, इस लीवर को हमें पुल करके रखना है, और इस लीवर को पुल करके कंटिन्यूस रखना है तभी इंजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन स्टार्ट करने के बाद इंजन को अहेड अस्टन कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लीवर है ये जो न्यूट्रल पोजीशन पे है अभी, अगर इसको फॉरवर्ड में लेके जाएंगे तो जो लाइफ बोट है वो फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, और इस लीवर को अगर नीचे लेके जाएंगे तो लाइफ बोट है अस्टर्न में जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है कि लाइफ बोट के इंजन को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।